हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हरीश शर्मा बिल्डिंग संचालन चैनल से एक बार फिर आपके साथ। फ्रेंड्स, मेरे से किसी ने एक क्वेश्चन किया कि जो कूलिंग टावर होता है, कूलिंग टावर की एफिशिएंसी कौन से मौसम में, हमारे पास चार मौसम होते हैं भारत में, आप जानते हो कि चारों मौसम में से कौन से मौसम में सबसे ज़्यादा अच्छी होती है। एफिशिएंसी मीन्स कि जो हमारा आउटपुट बटे इनपुट होता है वैसे तो, लेकिन जो एफिशिएंसी मींस कि कौन से मौसम में हमारा कूलिंग टावर सबसे अच्छा काम करता है या अच्छी एफिशिएंसी देता है। तो फ्रेंड्स, वही आज मैं बताने वाला हूं, और आज मैं इस तरीके से बताऊंगा कि आपको इनमें कभी कोई फ्यूचर में डाउट नहीं होगा, और मेरी एक गारंटी है 100% की आप फ्यूचर में इसको भूलोगे भी नहीं। फ्रेंड्स, आइए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। देखिए, मैंने ये प्रश्न लिखा हुआ है फ्रेंड्स, क्वेश्चन, इन विच सीजन कूलिंग टावर एफिशिएंसी इज गुड एंड व्हाई, हाउ कैन इट प्रूव्ड। ठीक है फ्रेंड्स, कौन से मौसम में कूलिंग टावर की एफिशिएंसी सबसे अच्छी होती है। आज ये चीज बताने के लिए मैंने कुछ डेटा लिया हुआ है, जो डेटा सीजन के अकॉर्डिंग कलेक्ट किया गया है और वो सही है, आप उसको अपने सीजन के अकॉर्डिंग चेक भी कर सकते हो। फ्रेंड्स देखिए, मैंने यहाँ एक टेबल बनाई हुई है, इस टेबल में मैंने तीन मौसम लिए हैं, चौथा मौसम नहीं लिया है क्योंकि हमारे यहाँ विंटर, समर, रेनी और चौथा सीजन जो आप हिंदी में बोलते हो बसंत ऋतु, तो वो मैंने नहीं लिया है। ठीक है, क्योंकि उस ऋतु में ज़्यादातर काम नहीं होता है तो उसको हम रेनी में ही कंसिडर करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए टेबल इस तरीके से बनी हुई है, वेदर विंटर, विंटर मीन्स सर्दी, समर यानी गर्मी और रेनी मीन्स बरसात का सीजन। तो इसमें मैंने कुछ डेटा कलेक्ट किया हुआ है, जो डेटा मैंने अपने कूलिंग टावर या किसी से भी कलेक्ट किया है और ये प्रूव्ड है, ये सही डेटा है। DBT, फ्रेंड DBT क्या होता है? DBT होता है ड्राई बल्ब टेम्परेचर। ड्राई बल्ब टेम्परेचर मींस आप नॉर्मल अपना थर्मामीटर निकालिए और नॉर्मली उस थर्मामीटर को, जो ड्राई बल्ब टाइप का थर्मामीटर है, उसको एटमॉस्फेयर में रखिए, जितना टेम्परेचर वो बता रहा है वो उसको नोट कर लीजिए, वो होता है ड्राई बल्ब टेम्परेचर। तो मैंने यहाँ विंटर का ड्राई बल्ब टेम्परेचर नोट किया हुआ 26 डिग्री सेंटीग्रेड, समर का किया हुआ 38 डिग्री सेंटीग्रेड, रेनी का क्या 33 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, मैं इस चीज़ को फ्रेंड्स अलग कर देता हूँ क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट मैंने ये इसलिए किया है कि कौन से सीजन में लगभग कितना डिग्री टेम्परेचर होता है। देखिए, विंटर में 26 डिग्री सेंटीग्रेड, इससे कम भी जाता है, समर में 38 डिग्री सेंटीग्रेड और रेनी सीजन में 33 डिग्री सेंटीग्रेड। ये मैंने इसलिए लिया है कि विंटर में जिस दिन 26 डिग्री सेंटीग्रेड आपका, सर्दियों में 26 डिग्री टेम्परेचर हो एयर वायुमंडल में या एटमॉस्फेयर में, उस दिन आप WT, BT, HWT, CWT ये सब चेक करोगे तो लगभग इतना आएगा, अप्रॉक्सीमेट इतना टेम्परेचर आएगा। ठीक है, समर में 38 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो ये सब आएगा, जिस दिन रेनी सीजन में बरसात में 33 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास टेम्परेचर चल रहा हो तो उस दिन बाकी चीज़ें तुम चेक करोगे तो लगभग ये आएगी, इसलिए मैंने ये नोट किया हुआ है। अब फ्रेंड WBT क्या होता है? WBT वेट बल्ब टेम्परेचर। ये वेट बल्ब टेम्परेचर क्या हुआ है, मैं एक वीडियो में कूलिंग टावर की डिफाइन कर चुका हूँ कि WBT क्या होता है। फ्रेंड्स, वेट बल्ब टेम्परेचर होता है, अगर आपको नहीं पता है तो बता देता हूँ कि जो थर्मामीटर आपके पास है उस थर्मामीटर का जो बेसिक जहाँ पर पारा रहता है उस पारे को गीला कपड़ा करके उसमें दबा लीजिए और 10 मिनट उसको दबाई रहिए और टेम्परेचर में खड़े रहिए, तो जितना टेम्परेचर डाउन आ जाए, DBT से कम आ जाएगा टेम्परेचर, जितना मिनिमम आ जाए वही WBT है। या वेट बल्ब टाइप टेम्परेचर के थर्मामीटर आते हैं, उससे जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर चेक करते हैं वो। ठीक है, WBT वेट बल्ब टेम्परेचर। HWT हॉट वाटर टेम्परेचर। हॉट वाटर टेम्परेचर मतलब क्या हो गया कि जो आपके कूलिंग टावर में पानी इन आ रहा है, कूलिंग टावर में जो इन आ रहा है यानी जो गर्म पानी आ रहा है, हॉट वाटर आ रहा है, जो मशीनरी से होते हुए पानी इनलेट हो रहा है कूलिंग टावर में, उसका टेम्परेचर हॉट वाटर टेम्परेचर। ठीक है, और CWT कोल्ड वाटर टेम्परेचर, यानी जो कूलिंग टावर में ठंडा होने के बाद पानी नीचे टब में या जो उसका पॉट रहता है उसमें भर जाता है, उसका टेम्परेचर कोल्ड वाटर टेम्परेचर। ठीक है, और मैंने उसके साथ साथ ह्यूमिडिटी लिख दी है कि एयर की ह्यूमिडिटी उस दिन कितनी थी। ठीक है, ह्यूमिडिटी मैंने लिख दी है, जिस दिन 26 डिग्री टेम्परेचर था उस दिन 23% ह्यूमिडिटी थी, ह्यूमिडिटी फ्रेंड परसेंटेज में लिखी जाती है। जिस दिन गर्मियों में 38 डिग्री टेम्परेचर था उस दिन 38.7 डिग्री थी परसेंटेज थी, और रेनी सीजन में जिस दिन 33 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था उस दिन 68% ह्यूमिडिटी थी। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि एफिशिएंसी कब और क्या अच्छी होती है। फ्रेंड्स, एफिशिएंसी पता होने से पहले देखिए एफिशिएंसी क्या होती है। फ्रेंड्स, मैं पहले एफिशिएंसी का फॉर्मूला लिख देता हूँ।
एफिशिएंसी ऑफ कूलिंग टावर, एफिशिएंसी ऑफ कूलिंग टावर होती है रेंज डिवाइड बाय रेंज प्लस अप्रोच इनटू 100, ये परसेंटेज होगी। अब ये निकालने के लिए फ्रेंड मुझे रेंज का पता होना चाहिए और अप्रोच का पता होना चाहिए। जब तक मुझे रेंज और अप्रोच पता नहीं होगा तो मैं नहीं निकाल सकता, तो मैं रेंज और अप्रोच आपको बताता हूँ। फ्रेंड्स मान लीजिए ये कूलिंग टावर का डेटा है, ठीक है। देखिए ये क्या है, WBT है, वेट बल्ब टेम्परेचर। WBT फ्रेंड्स सबसे कम होगा, किसी पे भी देख लीजिए, यहाँ 13.9 है, 26 है, 28 है, तो बाकी सब ज़्यादा होंगे। तो WBT वेट बल्ब टेम्परेचर सबसे कम होगा, उसके बाद होगा फ्रेंड्स कोल्ड वाटर टेम्परेचर, ठीक है, और सबसे बाद में होगा हॉट वाटर टेम्परेचर, ठीक है। तो फ्रेंड्स जो हॉट वाटर और कोल्ड वाटर के बीच का होता है टेम्परेचर का डिफरेंस, ये है रेंज। बहुत सिंपल है ये समझना इसको। और जो WBT और कोल्ड वाटर के बीच का टेम्परेचर है ये है अप्रोच, ठीक है। कोल्ड वाटर टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर के बीच जो है वो अप्रोच। अब रेंज प्लस अप्रोच, अगर इन दोनों को जोड़े रेंज प्लस अप्रोच, रेंज प्लस अप्रोच क्या हो गई, हॉट वाटर टेम्परेचर और WBT का टेम्परेचर का डिफरेंस। सबसे पहले विंटर ले लेते हैं, वन विंटर। फ्रेंड फॉर्मूला यहां लिखा हुआ है, ठीक है। तो रेंज, रेंज क्या होती है, हॉट वाटर टेम्परेचर माइनस कोल्ड वाटर टेम्परेचर। तो इसके हम हॉट वाटर टेम्परेचर कितना 29.5 और कोल्ड वाटर टेम्परेचर कितना 17.5, तो हम कर लेते हैं। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहा हूं फ्रेंड्स एफिशिएंसी का, ई इजकल टू रेंज जो है हमारी हॉट वाटर टेम्परेचर 29.5 माइनस कोल्ड वाटर टेम्परेचर, कोल्ड वाटर टेम्परेचर 17.5 डिवाइड बाई रेंज प्लस अप्रोच। रेंज प्लस अप्रोच, चाहे तो रेंज और अप्रोच को निकाल के जोड़ लीजिए, और चाहे रेंज प्लस अप्रोच हॉट वाटर टेम्परेचर माइनस WBT भी होती है। क्या होती है, देखिए यहाँ रेंज प्लस अप्रोच करोगे तो हॉट वाटर टेम्परेचर में से WBT घटा दोगे तो दोनों आ जाएगा रेंज प्लस अप्रोच। तो मैं यहाँ वही करने वाला हूँ, हॉट वाटर टेम्परेचर क्या है 29.5 माइनस और WBT क्या है 13.9, तो मैंने यही कर दिया इनटू 100। फ्रेंड इसकी अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो देखिए 29.5 में से 17.5 जब हम घटाएंगे तो कितना आएगा, बारह डिवाइड बाई 29.5 में से 13.9 घटाएंगे तो आएगा 15.6 100। फ्रेंड्स क्या आया, जब हमने इसमें से इसको लेस किया तो 12.0 यानी 12 बटे 15.6 इंटू 100। और जब हम ये सारा कैलकुलेट करते हैं तो फ्रेंड्स क्या आता है, फ्रेंड्स इसको कैलकुलेट करने के बाद आता है 76.92%, ठीक है, ये आ गया, क्लियर है। अब आते हैं हम विंटर पे, हो गया। अब हम सेकंड कर लेते हैं समर में, समर की एफिशिएंसी निकाल लेते हैं फ्रेंड्स। ई इक्वल टू अब रेंज, तो रेंज क्या है, हॉट वाटर टेम्परेचर माइनस कोल्ड वाटर टेम्परेचर। इसमें हॉट वाटर टेम्परेचर फ्रेंड्स है 42 माइनस कोल्ड वाटर टेम्परेचर है 31 बटे रेंज प्लस अप्रोच। रेंज प्लस अप्रोच होती है हॉट वाटर टेम्परेचर माइनस WBT। हॉट वाटर टेम्परेचर इसका 42 और WBT इसका है 31, ये 26 आएगा। ये एक्चुअली WBT है, WBT 26, तो 42 में छोड़ेंगे ये आएगा 16 इंटू 100। और इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 68.75%, कितना आएगा 68.75%। फ्रेंड्स दोनों हो गया। अब इसको फ्रेंड मैं मिटा देता हूं जिससे कि मैं यहां तीसरा वाला कैलकुलेशन कर सकूं, ठीक है। फ्रेंड्स देखिए अब मैं करता हूं, ये हमने विंटर का कर लिया, समर का कर लिया, अब हम कर लेते हैं थर्ड।
रेनी सीजन का, रेनी सीजन में एफिशिएंसी क्या होगी? एफिशिएंसी इज इक्वल टू रेंज, रेंज होती है देखिए रेंज बटे रेंज प्लस अप्रोच, फॉर्मूला तो यही है। तो रेंज कितनी होती है? हॉट वाटर टेम्परेचर माइनस कोल्ड वाटर टेम्परेचर। तो इसका हॉट वाटर टेम्परेचर है 45.5 और कोल्ड वाटर टेम्परेचर 35.5। तो 45.5 माइनस 35.5 और डिवाइड बाय हॉट वाटर टेम्परेचर 45.5 माइनस डीबीटी सॉरी डब्ल्यूबीटी वेट बल्ब टेम्परेचर 28 डिग्री सेंटीग्रेड ठीक है इंटू 100। जब इसको कैलकुलेट करेंगे फ्रेंड तो ये कैलकुलेट करके आएगा 57.14%। आप ये कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, कैलकुलेट करके देखोगे तो एफिशिएंसी इसकी कितनी आएगी ये। अब आप फ्रेंड मुझे बताने की जरूरत नहीं है आपको, आशा करता हूं कि ये देखिए ये है रेनी सीजन की कितनी है 57.14 और विंटर सीजन की देखिए, विंटर सीजन की 76.92 और समर सीजन की देखिए, ये समर सीजन है, समर सीजन की आई 68.75। तो फ्रेंड्स सबसे अच्छी एफिशिएंसी जो होती है वो विंटर की होती है और सबसे खराब एफिशिएंसी जो होती है वो रेनी सीजन की होती है। रेनी सीजन की सबसे खराब एफिशिएंसी क्यों होती है उसका भी कारण देख लो। ये तो आपने कैलकुलेट करके देख ली, प्रूव होगी कि रेनी सीजन में सबसे खराब होती है और विंटर सीजन में सबसे अच्छी होती है। सर्दियों में सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी होती है और बरसात में सबसे कम होती है, गर्मियों में मीडियम होती है ठीक है। होती क्यों है देखो फ्रेंड्स, विंटर में ड्राई बल्ब टेम्परेचर जो है यानी एटमोस्फेरिक टेम्परेचर है 26 और समर में 38। तो आप इसमें देखो तो होता क्या है फ्रेंड्स, एक्चुअली देखो जो बरसात का सीजन है उसमें जो ये है तुम्हारी ह्यूमिडिटी ये सबसे ज़्यादा है, समर सीजन में कम है, उससे कम विंटर सीजन में है ठीक है। तो जो ह्यूमिडिटी होती है वो बरसात के सीजन में सबसे ज़्यादा होती है और ह्यूमिडिटी होने के कारण जो हमारा रेंज है वो रेंज कम हो जाती है। रेंज कम होगा तो हमारी एफिशिएंसी भी कम होगी, जितनी रेंज ज़्यादा होगी उतनी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी ठीक है। एफिशिएंसी के साथ साथ अप्रोच भी होगा। तो यहाँ जो ह्यूमिडिटी के कारण ये सारा दिक्कत होता है, आप देखो यहाँ 33 डिग्री सेंटीग्रेड है तो 33 डिग्री सेंटीग्रेड से वेट बल्ब टेम्परेचर 28 डिग्री से मुश्किल से 4 से 5 डिग्री का डिफरेंस है, लेकिन समर सीजन में 38 और 26 ये कितना काफ़ी ज़्यादा है, 8 4 12 डिग्री का डिफरेंस है। डब्ल्यू बी टी में यहाँ 26 से 13 है तो यहाँ भी 12 13 डिग्री का डिफरेंस है, लेकिन रेनी सीजन में जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर होता है वो बहुत कम हो जाता है क्योंकि ह्यूमिडिटी बढ़ी हुई रहती है। इसी कारण से जो एफिशिएंसी है वो रेनी सीजन की बहुत कम आती है। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे और अगर आप अभी भी नहीं समझे हैं तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूँगा। मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके नोटिफिकेशन यानी बेल के आइकॉन को जरूर प्रेस कर लें जिससे आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए।